स्वागत है। आज हम आ चुके हैं ललिता जी। तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं उसको बताने से पहले, जो हमारे इस चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो आज हम आए हैं ललिता जी, जो कि जयपुर में स्थित है, जो कि ललिता जी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। और आज यहाँ पे है कांवड़ यात्रा, जो कि विशाल यात्रा होती है। हम आपको यहाँ का कुछ व्यू भी दिखाएंगे और कांवड़ यात्रियाँ भी दिखाएंगे। तो अब हम चलते हैं ललिता जी में। ललिता जी भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल है। ललिता जी अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ललिता जी को मंकी हिल के नाम से भी जाना जाता है। ललिता जी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। ललिता जी पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक दिल्ली हाईवे पे होते हुए ललिता गेट से जा सकते हैं और पहाड़ियाँ चढ़ते हुए हम ललिता जी पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता घाटगुड़ी होते हुए हम ललिता जी पहुंच सकते हैं। ललिता जी मंदिर अरावली पहाड़ियों में स्थित है। ललिता जी घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ है, जैसा कि आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर भगवान राम कृष्ण और भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर भी स्थित हैं। यहाँ पर श्रद्धालु मकर संक्रांति और सावन के महीने में आते हैं और यहाँ पर आकर इस पानी से नहाते हैं, जो कि शुभ माना जाता है। हजारों लोग स्नान करने यहाँ पर आते हैं। ललिता जी मंदिर दुनिया भर के पर्यटकों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह मंदिर परिसर शहर के शोर शराबे से दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। इस पवित्र स्थल पर हमें हजारों बंदरों की संख्या देखने को मिल जाती है, इसीलिए इसे मंकी हिल के नाम से भी जाना जाता है। ललिता जी सात पवित्र तालाबों से घिरा हुआ है और यहाँ पर श्रद्धालु भक्त पानी में स्नान करने के लिए आते हैं। ललिता जी में बने हुए मंदिर और महल गुलाबी पत्थरों से बनाए गए हैं। ललिता जी में एक हनुमान मंदिर भी है, जो कि हमेशा बंदरों से घिरा हुआ रहता है। ललिता जी आने के लिए कार, टैक्सी या अपना स्वयं का वाहन भी यूज कर सकते हैं और हम यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन अक्सर यहाँ भीड़ होती है और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ के दर्शन करते हैं। ललिता जी मंदिर को गुलाबी पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर की छतों पर खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलती है। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और काफ़ी हरा भरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ कई खूबसूरत झरने, पहाड़ देखने को मिलते हैं। ललिता जी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम पहुँच चुके हैं जयपुर की छोटी काशी में, जहाँ से स्टार्ट होती है जयपुर की कांवड़ यात्राएं। तो आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ के प्यारे प्यारे व्यू और कांवड़ यात्री कैसे कांवड़ उठाते हैं, कैसे लेकर जाते हैं, वो सब आप आज हमारे इस वीडियो में देखेंगे। कांवड़ यात्रा बड़े ही धूमधाम ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जाती है और कांवड़ यात्री बम बम बोले के जयकारों के साथ यह यात्रा ललिता जी से स्टार्ट होकर जहाँ से कांवड़ यात्री आते हैं वहाँ तक लेकर जाते हैं। कांवड़ यात्रा सावन के महीने में ही निकाली जाती है। इस कांवड़ यात्रा को बड़े ही धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जाती है। साथ ही इस कांवड़ यात्रा में कुछ झांकियाँ भी निकाली जाती हैं, जो कि इस कांवड़ यात्रा को मनमोहक और रोचक बनाती हैं और इस कांवड़ यात्रा में चार चांद लगा देती है। कांवड़ यात्रियों के लिए जगह जगह पर पानी, चाय और प्रसाद की व्यवस्था की जाती है।
जो हमारे इस वीडियो में नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको जयपुर की छोटी काशी कैसे लगी कमेंट में जरूर जरूर लिखें। हमें आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।